all. Good morning. So now we are discussing an important problem of chapter quadrilaterals exercise 8.2, question number 6. So it's a very important problem. A lot of time it has been asked in your CBSE examination. So let's see what we have to do in this question. So question is like, when you read this question, you have to show that the line segments joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other. इसका मीनिंग ये है, अगर ए बी सी डी नाम का एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल में आपको कुछ मिड पॉइंट्स दिख रहे होंगे, जैसे कि उसने बोला पी, दूसरा बोला उसने क्यू, एक उसने बोला आर, एक उसने बोला एस, ठीक है। तो उसने आपको बस ये बोला है कि इन मिड पॉइंट से जब कोई लाइन आपस में ऑपोजिट वाली लाइंस जब एक दूसरे को ज्वाइन करेंगी तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी। दिस यू हैव टू प्रूव, यानी आपको ये वाला साइड इस वाले के इक्वल दिखाना है और ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल दिखाना है, अज्यूमिंग दैट योर सेंटर इज टू। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट मी टेल यू, ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले मैं इन मिड पॉइंट्स को यहाँ ज्वाइन करवाऊंगा, क्लियर है। तो जैसे ही मैं इन मिड पॉइंट्स को यहाँ ज्वाइन करवाऊंगा, उसके बाद रूल इज नोन टू यू कि हम बेटा किसी भी एक ट्राइंगल को लेते हैं। लेट से हमने ये ऊपर वाला ट्राइंगल लिया और आपको पता है अब ये साइड इस साइड के पैरेलल हो जाएगी और ये साइड इस साइड के लेंथ के हाफ भी हो जाएगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा, ठीक है, और हम इन दोनों को पैरेलल एज वेल एज हाफ फिट बोल देंगे। सिमिलरली जब आप नीचे वाले ट्राइंगल को भी पिक करेंगे तो मैं इस वाली साइड को इसके हाफ एज वेल एज इसके पैरेलल दिखाऊंगा और फिर मैं क्या बोलूंगा कि ये जो मेरा पैरेललोग्राम यहाँ पे है ना, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है जो इन्हें ज्वाइन करके बनेगा, उसको फिर मैं यहाँ पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूंगा। और पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी ये होती है कि जो डायगोनल्स उसके होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के, दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो जैसे ही ये प्रूव हो जाएगा तो हमारे क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसमें एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है। सो सबसे पहला पॉइंट, एज यू कैन सी, हमें जो प्रूव करना है यहाँ पे, इस चीज को मैं यहाँ ओ लिख देता हूँ। तो हमें यहाँ ओ एस को ओ क्यू, जैसे डिस्कस किया था, ओ पी को ओ आर दिखाना होगा। तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि हमारे ये जो यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स हैं वो बाइसेक्ट होंगे। कंस्ट्रक्शन में आप पी क्यू आर एस को ज्वाइन करवाइए और डायगनल बी डी को भी ज्वाइन करवाइए, ठीक है। तो इनको ज्वाइन करवाने के बाद आपको सबसे पहले इस ट्राइंगल ए डी बी को पिक करना है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, और ये पी एस नाम का उस साइड है। अब यहाँ देखिए, क्योंकि पी और एस आपके मिड पॉइंट्स हैं, सो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंगली आपको पता है कि पी एस इज बी डी के पैरेलल हो जाएगा और ये पी एस इज बी डी के हाफ भी हो जाएगा, और इसे इक्वेशन नंबर वन नेम दे दीजिए, क्लियर है। अब सेम वे जब आप दूसरा यहाँ पे देखेंगे, अगर आप इस ट्राइंगल को भी देखेंगे बेटा, लेट्स से एक ट्राइंगल आपने एबीडी देखा, दूसरा आप यहाँ ट्राइंगल देखिए बीडीसी को, ठीक है, इसको बीडीसी कर दीजिए, बीडीसी इज नॉट ए, ठीक है। तो जब आप बीडीसी को भी देखेंगे, यहाँ पे क्यू और आर मिड पॉइंट्स है, सो अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो आपका ये क्यू आर होगा वो इस बी डी के पैरेलल हो जाएगा और वो इस बी डी के हाफ भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ही यूज करना है, और इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को यूज करके हमें पता चला, देखिए पी एस भी हमारा हाफ ऑफ बी डी है, क्यू आर भी हमारा हाफ ऑफ बी डी है, तो को अगर मैं इक्वल रखूँ तो कैन वी से कि हमारा इस क्यू आर
इक्वल भी है, ठीक है, इक्वल आ जाएगा, और क्योंकि ये आपस में पैरेलल भी थे तो डेफिनेटली ये जो आपका क्यू आर है वो इस पी आर के पी एस के पैरेलल भी आ जाएगा। और जैसे ही ये पैरेलल आ गए, ये आपस में पैरेललोग्राम बन गए, क्योंकि हमें पता है जब भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल का इक्वल एंड पैरेलल हो जाता है तो वो एक पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। वेरी सिंपल। तो फाइनली जिस चीज को मैंने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था कि मैं इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल को यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाऊंगा, और अब मुझे प्रॉपर्टी पता होती है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो बस एक लास्ट स्टेप में आई विल राइट दैट लैंग्वेज ओनली कि इस वे में जैसे ये पैरेललोग्राम बन गया, हमने क्या बोला, हमारा ये जो ओ एस है और जो ओ क्यू है वो ओ पी और ओ आर जो है, इसको मैं फिर से सेंटर में वो लिख देता हूँ। तो हमने बोला हमारा ओ एस ओ क्यू के इक्वल, हमने बोला हमारा ओ पी यहाँ पे ओ आर के इक्वल, किस प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से कि जो डायगोनल्स होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।